1964 से, है ना। तो कोई भी आते हैं भक्त लोग, माता को प्रणाम करते हैं, माता से जो भी हो प्रयास करते हैं तो उनका जो मनोकामना पूरा होती है, इसलिए माता का बहुत। आज हम लोग रंकिणी मंदिर जादूगोड़ा का एक शूट करने जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि रंकिणी मंदिर जादूगोड़ा कितना खास है, कितना अच्छा है और क्यों ये इतना ज़्यादा फेमस है। तो पूरी की पूरी डिटेल वीडियो आज आपको हम बताएंगे। रंकिणी मंदिर जाने के क्रम में एक काफ़ी सुंदर सा जगह आता है, जैसे आप पीछे देख ही सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा तालाब है और इसके पीछे कितना सुंदर सा जगह है। तो ये झारखंड में ही है, बहुत से लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं इस तरीके से बैठ के, और काफ़ी सुंदर सा व्यू आता है जैसे कि आप देख ही सक रहे हैं। सो आप लोग अगर झारखंड के हैं या झारखंड के बाहर के हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप भी आइए और इस जगह का लुत्फ़ उठाइए। लोग यहाँ नीचे पिकनिक के लिए भी आते हैं, उधर स्पेशल जगह है। और अभी हम लोग मंदिर पे जाने वाले हैं, रंकिणी मंदिर जगह है जैसे कि आप देख सक रहे हैं। तो ज़रूर आए, झारखंड हमारा एक ऐसा राज्य है जहाँ आके आपको लगेगा कि आप किसी स्वर्ग से कम जगह पर नहीं हैं। इसको बनाम बोलते हैं और ये झारखंड की काफ़ी प्राचीन और पुरानी संस्कृति का एक हिस्सा है। इसका मतलब ये खरबूज है सर, ये जो लगा है यहाँ पे ये खरबूज है, और इसके पहले सब्जी का भी बगान था यहाँ पे। तो दोस्तों आखिरकार एक लंबे सफ़र और एक लंबे जर्नी के बाद हम लोग आ चुके हैं श्री रंकिणी माता मंदिर, जो झारखंड का सबसे फेमस मंदिर में से एक है। जैसा कि हम अभी रंकिणी मंदिर में इतने लंबे सफ़र के बाद पहुंच चुके हैं, जमशेदपुर साक्ची से यहाँ करीबन 42-45 किलोमीटर के करीब पड़ता है और आने में एक घंटा करीबन समय लगता है। काफ़ी अच्छा मंदिर है, यहाँ आपकी हर एक मनोकामना, हर एक मुराद पूरी होती है जल्द से जल्द। ये हाईवे आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी गाड़ी अगर जाती है तो वो रुक के सबसे पहले प्रणाम करती है, सिक्का डालती है, उसके बाद ही आगे जाती है। और अब अगर सुबह में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी लंबी भीड़ होती है, वो जो कि दूर दूर तक जाती है वो भीड़। तो उसके बाद में लोग यहाँ आते हैं, यहाँ चप्पल वगैरह खुलने की स्थान है, फिर इस तरीके से हम आगे जाते हैं।
तो ऐसे आगे जाने के बाद आपको ये दुकान दिखेगी जहाँ से आपको माता का फल प्रसाद वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको यहाँ पे नारियल फल प्रसाद चुनरी और ए टू जेड हर चीज़ मिलेंगी। ये और बाकी कुछ इच्छाओं के लिए आपको मेहनत की भी थोड़ी सी जरूरत होती है। पीछे हमारे साथ वो छूप गए, सॉरी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पहाड़ के ऊपर क्या होता है। हालांकि अंधेरा होने को आ रहा है, तो जितना हो सके उतना हम लोग कवरेज आपको देने की कोशिश करेंगे। पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आप। चलते जाओ, जय माता की। ये रहा रंकिणी मंदिर का हिल टॉप। हम लोग चूंकि शाम गए, शाम के समय या बोल सकते हैं रात के समय में आए हैं, जिसके वजह से यहाँ का व्यू गोल्डन आवर वाला है और थोड़ा वीडियो में नॉइज़ भी है। ये है हनुमान जी, जो यहाँ से पूरे जमशेदपुर, पूरे झारखंड, पूरे वर्ल्ड की रक्षा करते हैं। और ये रहा तक का बेस्ट शॉट होता, वो देखिए पहाड़, वो रही नीचे से लाइंस, आई मीन रोड्स जा रही है। वो संजीव जी फोटो ले रहे हैं।